बहराइच में हाईकोर्ट के आदेश पर जलमग्न भूमि से हटाया जा रहा कब्जा। जलमग्न भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी बिल्डिंग, फलस्तीन की मौजूदगी में चलाया जा रहा बुलडोजर। बहराइच में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद, पुलिस पर दबंगों को शह देकर कब्जा कराने का आरोप, पीड़ित पक्ष ने तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ में तेज रफ्तार के चलते हादसा, छात्रों से टकराकर खेत में पलटी कार, हादसे में 16 छात्र घायल, 6 की हालत गंभीर। फर्रुखाबाद में सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, ओपीडी में कर्मचारी की अनुपस्थिति, किए नाम नोट, साफ सफाई के लिए दिए निर्देश। मुजफ्फरनगर में गटर साफ करते हुए सफाईकर्मी की हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मैनपुरी में पुलिस और सर्विलांस टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, अवैध तमंचे और शस्त्र बनाने के उपकरण किए बरामद, 3 अभियुक्त किए गिरफ्तार। बदायूं के जिला अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र का किया उद्घाटन, उद्घाटन का किया गया लाइव प्रसारण, सीडीयू ने नशा मुक्ति की दिलाई शपथ। आगरा में जीजा साले चला रहे नकली पान मसाले की फैक्ट्री, पुलिस ने की छापेमारी, बना हुआ माल और कच्चा माल किया बरामद, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में पुलिस और लुटेरों के बीच जमकर हुई मुठभेड़, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से लूट का सामान किया बरामद। बरेली में एसएसपी ने धन उगाही के आरोप में सिपाही को किया सस्पेंड, जुआ और सट्टे में संलिप्त अपराधियों से लेता था रिश्वत, जांच के बाद एसपी ने एसएसपी को भेजी रिपोर्ट। लखनऊ में पुलिस ने शराब तस्कर पर कसा शिकंजा, अवैध कच्ची शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। अमेठी में जमीनी विवाद के मामले चर्चा में, चले हथियार और लाठी डंडे, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप। सहारनपुर में फेयरवेल पार्टी में छात्रों में मारपीट, स्कूल से निकलकर हाईवे पर लगाया गया जाम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर पर एक बार फिर दिया विवादित बयान, कहा राम निर्जीव हो गए थे, जो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ी, संतों ने जताई नाराजगी। एटा में एसडीएम ने दबंग भूमाफियाओं से सरकारी जमीन कराई कब्जा मुक्त, अवैध जमीन कब्जाधारियों में मचा हड़कंप, कब्जा मुक्त कर वन विभाग को सौंपी जमीन। बरेली में एंटी करप्शन टीम को मिली सफलता, रिश्वत लेते संप्रति सहायक प्रबंधक को किया गिरफ्तार, लोन पर सब्सिडी दिलाने की मांग पर मांगी गई थी रिश्वत। सहारनपुर में चाइनीज बांझे का बहिष्कार करने के लिए निकाली गई रैली, एसएसपी ने झंडी दिखाकर किया रवाना। ललितपुर में बीच रोड पर महिलाओं और पुरुष में चले लाठी चप्पल मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। महोबा में 2 चरस तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख कीमत की चरस बरामद, नेपाल से चरस लेकर अन्य राज्यों में करते थे तस्करी। मैनपुरी में पुलिस और सर्विलांस टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, अवैध तमंचे और शस्त्र बनाने के उपकरण किए बरामद, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। फतेहपुर में चोरों के हौसले बुलंद, 4 घरों में की ताबड़तोड़ चोरी, नकदी और गहने समेत लाखों का माल किया साफ, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में ड्यूटी बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पीआरडी जवानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, कम ड्यूटी होने पर जवानों को परिवार का भरण पोषण करना होता मुश्किल। मिर्जापुर में पुलिस ने तमंचों पर रील बनाने वालों पर की कार्रवाई, एक युवक को किया गिरफ्तार, तमंचे के साथ रील वायरल होने पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। कन्नौज में अराजक तत्वों ने तोड़ा अखिलेश यादव के नाम का पत्थर, अफसरों से जल्द नया पत्थर लगवाने की मांग, पत्थर तोड़े जाने के बाद गरमाई जिले की सियासत। सहारनपुर में अमजद हत्याकांड का खुलासा, मां के साथ अवैध संबंधों के कारण 2 पुत्रों ने की मृतक की हत्या, 2 सगे भाइयों सहित 3 युवकों को किया गिरफ्तार। आगरा में धूमधाम से मनाया जा रहा शाहजहां बादशाह का 369वां उर्स, श्रद्धालुओं ने मुख्य मकबरे पर चढ़ाई चादरें। कानपुर में स्कूली वैन और ट्रक में टक्कर, कई छात्रों की हालत गंभीर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मिर्जापुर में पुलिस को मिली कामयाबी, 1 लाख की फिरौती मांगने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बदमाशों के पास से तमंचा, मोबाइल और बोलेरो किए बरामद।